तस्वीरें लगातार इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये चरणजीत सिंह चन्नी आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल किया उस वक्त, देखिए उन्होंने ये भी दिखाया कि वो अपना वोट एक्सरसाइज करके आए। अरदास लगातार हो रही है, लेकिन इसी बीच में भगवंत मान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भगवंत मान भी अरदास करने के लिए पहुंचे। और इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर पंजाब में जनता के सामने है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए जबरदस्त कोशिश की गई है इस बार पंजाब चुनाव में अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाने की, अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने की। एंट्री पिछली बार पिछले चुनावों में 2017 में आम आदमी पार्टी ने ले ली थी, लेकिन उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन के लिए कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, जिसमें भगवंत मान को उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार बनाया है। जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, पंजाब को लेकर इस बार खूब सियासी बयानबाजी भी हुई है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में है, कांग्रेस चन्नी के चेहरे के साथ कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन बीजेपी ने भले ही 2017 में प्रदर्शन अच्छा ना किया हो, लेकिन कहीं से कोर कसर बीजेपी ने नहीं छोड़ी कि इस बार अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सके, या इस दावे के साथ कि वो सरकार बनाएगी पंजाब। बिल्कुल पूर्णिमा, अगर बात करें तो इस बार के जो चुनाव है पंजाब के, बहुत कुछ उसमें बदला है। सियासी चीज़ें जो हैं, जो सहयोगी थे वो बदले, कुछ नई पार्टी अस्तित्व में आई। और बात की आपने बीजेपी की, तो बीजेपी जो है वो बड़े भाई के तौर पर अकाली को लेकर चलती थी, लेकिन इस बार अलग है और उनके साथ दिया है उनने, जो कि 4.5 साल तक पंजाब के CM रहे कैप्टन, उन्होंने जो है कांग्रेस से जुदा हुए और अपनी पार्टी बनाई, उनके साथ में वो पहुंचे हैं और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें तो इस बार का जो मुकाबला है वो बहुकोणीय है, क्योंकि बात करें तो किसानों का अपना दल है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, दूसरी बात करें तो आम आदमी पार्टी जो कि 2017 में भले ही 20 सीट जीत पाई थी, लेकिन इस बार जो है उसने पूरा दमखम लगा दिया है। और उनका जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है भगवंत मान, कुछ देर पहले गुरुद्वारा पहुंचे, वहां पर आशीर्वाद लिया, उसके बाद में यहां वोटिंग करने गए हैं। आपको बता दें कि धूरी से वो अपनी जो है किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें उनका जो वोट है वो मोहाली का है और यहां पर वो मतदान करने आए हैं। काफ़ी अस्वस्थ लग रहे थे, लेकिन जो खुल के बात करते थे उस तरह की नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन में पंजाब की सियासत में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो कि इस पूरे चुनाव का रुख मोड़ सकती है। उसका कितना असर होता है ये तो देखने वाली बात होगी, उसका परिणाम जो है वो 10 मार्च को निकलेगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर जो है भगवंत मान जो है, अब देखिए यहाँ पर जो सरगर्मी बढ़ रही है, थोड़ी देर में जो है यहाँ पर और भी जो प्रत्याशी हैं वो आएंगे, लेकिन फिलहाल की बात करें तो भगवंत मान जो है यहाँ पर देखिए ये तो कोशिश की ही जा रही है, तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहां पर कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की, आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस को आप कैसे यहां रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि बड़े अहम वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने यहां की जनता से जब पहुंचे थे। बिल्कुल, बड़े अहम वादे किए थे, वादे वो किए थे जो दिल्ली में उनकी जो है तीसरी बार कहे तो सरकार में वो हैं, और बिजली फ्री, पानी, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जो चीज़ें जो दिल्ली में उन्होंने दी थी उसी के दम पर जो है वो पंजाब का रण लड़ रहे हैं, उसी पे वो उत्तराखंड में गए, उसी पर वो गोवा में गए, तो तमाम वो चीज़ें, और लोगों को कह रहे हैं कि जो मैं कहता हूँ करके दिखाता हूँ, दिल्ली में किया है तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, और इसी के दमखम पर जो है आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से पंजाब में इस बार लड़ रही है। और भगवंत मान जो है वो भी अंदर पहुँच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने, और पार्टी भी इस बात को लेकर उम्मीद रखती है कि 2017 में भले ही उन्हें 20 सीटें मिली हो, लेकिन इस बार क्योंकि अकेली लड़ रही है, सभी 117 सीटों पर लड़ रही है, तो ऐसे में जो उनकी तरफ से वादे किए गए वो वादा नहीं, वो कहते हैं गारंटी है। ठीक, हर पार्टी अपनी कोशिश जितेंद्र कर रहे हैं, और देखिए अपडेट इसी के साथ दे दें, अभी जो तस्वीरें इस वक्त जितेंद्र दिखा रहे हैं वहां पर भगवंत मान पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और साथ ही जितेंद्र और रजनीश भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जितेंद्र आप ही के पास मैं फिर से लौटूंगी और बात कांग्रेस की करूंगी, क्या वहां के लोगों को कांग्रेस के जो बीच में जो अंदर भीतर घमासान मचा हुआ नजर आया, क्या किसी तरीके की इमेज को डेंट किया है कांग्रेस की आम लोगों के बीच में आज के दिन, क्या वो कोई बदलाव ला सकता है जनता के मन को, क्या बदल पाया है वो डेंट जो पार्टी के भीतर चलता रहा, जिस तरह की बयानबाजी होती रही, जैसी तस्वीरें देखने को मिली। देखिए बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि 2017 में कांग्रेस बम्पर वोटों से जो है सीटों से उन्होंने जो अपनी सरकार बनाई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।